विदेशों से मुजफ्फरपुर आए 450 में से 150 लोग ट्रेसलेस। यूएई, मलेशिया, यूएस समेत अन्य देश आए लोग, मोबाइल पर भी नहीं हो रहा संपर्क। अब मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भी होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ओटी बनने का रास्ता साफ, जगह चयन की कवायद शुरू, 2010 से बंद है ऑपरेशन। अवध की कमान संभालेंगी डॉक्टर ममता रानी, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, यूपी चुनाव में मिली अहम जिम्मेदारी। मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, 3 घायल, टक्कर मार कर ट्रैक्टर लेकर चालक फरार, नगर परिषद में सफाई करने के लिए जा रहे हैं 3। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के कंट्रोल रूम में मरीजों की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। मुजफ्फरपुर में भव्य काशी दिव्य काशी जनजागरण के लिए भाजपा ने निकाली प्रभात फेरी। सड़क हादसे में पति की मौत, बिलखती रही प्रेग्नेंट पत्नी, सीतामढ़ी में ट्रैक्टर की चपेट में आने से गई थी जान, दूसरा अस्पताल में भर्ती। अन्नदाता का आफत, नील गाय की दहशत में बड़ी खेती की लागत, फसल बचाने प्रति एकड़ 50 से 60 हजार खर्च कर रहे किसान। पटना में चुनावी रंजिश में मारपीट, 2 घायल, मुखिया प्रत्याशी के पति द्वारा पैसे बांटने को लेकर शुरू हुआ विवाद, गोलीबारी की सूचना पर कैंप कर रही पुलिस। 14 दिसंबर तक पटना आ सकते हैं तेजस्वी राजेश्वरी, रिसेप्शन को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं, परिवार को लालू की नई बहू का इंतजार। वैशाली में पिकअप बाइक की टक्कर में एक की मौत, बाइक सवार की मौके पर ही गई जान, पीछे बैठा व्यक्ति हुआ घायल। नवादा में दहेज नहीं देने पर विवाहिता की हत्या, पर जन बोले ससुराल वालों ने खाने में जहर देकर ले ली जान, लाश भी छोड़कर भागे। थाने से 50 मीटर दूर 50 लाख की लूट, सिवान में ज्वेलरी शॉप के बोरे में भर कर आभूषण ले गए लुटेरे, पुलिस बोली चलो आते हैं। ट्रक से टकराई पुलिस जीप, 3 पुलिसकर्मी घायल, आरा में गश्ती पर निकले थे पुलिसकर्मी, हाईवे पर हुआ हादसा, एएसआई समेत 3 घायल। नवादा में बस पलटी, 12 लोग घायल, रांची से आ रही थी बस, हाई स्पीड के कारण हुआ हादसा, घायलों में 10 महिला। कैमूर में पिकअप वैन पलटी, 1 की मौत, दूसरा गंभीर, गाड़ी में मिर्च लोड कर डिलीवरी देने पटना आ रहा था युवक, हाईवे पर हुआ हादसा। 3 जनवरी से होगी फौकानिया और मौलवी की परीक्षा, बघा में बनाए गए 13 केंद्र, 27 दिसंबर से होगी प्रायोगिक परीक्षा, 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। नालंदा में प्राइवेट कंपनी के एरिया मैनेजर लाश मिली, 3 माह पहले यूपी के से आए थे, किराए के कमरे में मिली लाश, परिजन बोले जांच करे पुलिस। गोपालगंज में आज राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों के बोझ कम करने के लिए 18 पीठों का गठन, 7000 पक्षकारों को भेजी गई थी नोटिस। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान, खुले में नमाज को नहीं करेंगे बर्दाश्त, गुरुग्राम में पुलिस अलर्ट। जमीन पर कब्जा का विरोध किया तो 3 को पीटा बदमाशों ने, परिवार के 3 लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, महिला समेत 3 की हालत गंभीर। मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, मुजफ्फरपुर में घर से 1 किलोमीटर दूरी पर बदमाशों ने पेट में मारी गोली, हालत गंभीर। मामा साधु यादव पर भड़के तेज प्रताप, कहा हम आते हैं बिहार तो मार के गर्दा छुड़ा देंगे, पजामा से बाहर अवल के कोनो जरूरत नहीं खे। बिहार में सीएम नीतीश वर्सेस डिप्टी सीएम रेणु देवी, सीएम विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे, डिप्टी सीएम बोली उससे ज्यादा राशि केंद्र दे रहा। पटना एम्स के डॉक्टर निकले कोरोना पॉजिटिव, महिला राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सहित 6 संक्रमित संपर्क में आने वालों की कराई जा रही है जांच। समस्तीपुर में घर लौट रहे थे पिता पुत्र, हादसे में मौत, दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे दोनों, रास्ते में तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। बघा में अवैध संबंध को लेकर हत्या, समझी और समधन में था नाजायज संबंध, रिश्तेदार ने ही मार डाला। तिलक में जा रही गाड़ी पलटी, 3 की मौत, नालंदा से पटना जा रहे थे सभी, सड़क लड़की के नाना मौसा और पंडित की गई जान, 3 जख्मी। बक्सर में सास को हरा बहु बनी मुखिया, 355 मतों के अंतर से जीती कविता, मिले 1513 वोट, दूसरे नंबर पर रही सास। मंत्री के साले के घर से 20 लाख की चोरी, नालंदा में घर में सो रहा था परिवार, तभी घुसे छात्र लॉकर तोड़कर कैश और जेवर ले उड़े। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़, जेड न्यूज़, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।